नमस्कार, जस पटियाला शाही किचन में आपका स्वागत है। आज हमने बनाया है वेजिटेबल सूप विद गार्लिक ब्रेड। ये बहुत ही टेस्टी बना है। अगर आपके बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते तो आपको गार्लिक ब्रेड के साथ वेजिटेबल खिलाने का इससे बेस्ट ऑप्शन तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चों को गार्लिक ब्रेड बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अगर हम गार्लिक ब्रेड के साथ सूप बनाते हैं तो उनके अंदर सारे विटामिन्स, मिनरल्स और पौष्टिक तत्व जो है वेजिटेबल्स में वो सभी जाएंगे। आप इससे आपके बच्चे हेल्दी भी रहेंगे और सर्दियों में वेजिटेबल सूप तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे दोपहर को या शाम को कभी भी बना के खा सकते हो। तो चलिए देखते हैं हमने इस टेस्टी सी गार्लिक ब्रेड और सूप को किस प्रकार बनाया है। सबसे पहले हम गैस की फ्लेम को ऑन करके इसमें एक चम्मच डाल देंगे ये बटर, और बटर को मेल्ट होने देते हैं। इसमें डालते हैं सबसे पहले जीरा, ये हाफ चम्मच है। इसे हल्का सा सॉटे करेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे गार्लिक, ये 6 कलियां हैं। मैंने इन्हें बहुत ही बारीक काटा है, इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना। और इसके बाद डाल रहे हैं, एक मैंने छोटा सा प्याज लिया और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे मैंने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है। इन्हें भी हल्का सा ही हम चलाएंगे। हमने किसी भी सब्जी को ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि सूप में सभी सब्जियों का जो टेस्ट है वो हमें आना चाहिए और उनकी जो क्रंचीनेस है ना वो इसमें सूप में रहनी चाहिए। इससे सूप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। डाल रहे हैं मटर, ये 1/4 कप है। इसके बाद डाल रहे हैं ये रेड पेपर, ये हाफ है, बहुत ही छोटी मैंने ली थी। और ये ग्रीन पेपर है, ये भी हाफ है। आप इसमें चाहे जो भी कलर की है आपके पास, एक कलर की भी डाल सकते हो, या अगर आपके पास दो कलर है तो दो कलर की भी आप इसमें डाल सकते हो। और ये मैंने 10 बीन्स ली हैं, इन्हें बहुत ही बारीक मैंने काटा है। और इसके बाद डाल रही हूँ ये कैबेज, ये है 1/2 कप। और लास्ट में हम डालेंगे ग्रीन चिल्ली, ये है 1, जिसे मैंने बहुत ही बारीक काट लिया है। ये कॉर्न्स हैं और उबले हुए हैं, और ये 1/2 कप है। अच्छी तरह से हम इन्हें मिक्स कर देंगे। हमने इन सभी वेजिटेबल्स को बस इतना सा ही आंच के ऊपर रखना है। इसके बाद इसमें डाल रही हूँ 2 कप पानी के। तो अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और गैस की फ्लेम को अब तक हमने लो पे रखा हुआ था, अब इसे कर देंगे हाई पे ताकि इसमें अच्छा सा एक उबाल आ जाए। अब इसमें डाल रही हूँ नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैंने ये 1 चम्मच डाला है। इसमें 1/2 चम्मच चीनी। ये सभी वेजिटेबल्स और जो हमने मसाले डालने हैं उनके टेस्ट को बैलेंस कर देगी। 1/2 चम्मच ही इसमें डालेंगे हम गर्म मसाला। तो हमने इसमें ज़्यादा मसाले बिल्कुल नहीं डालने, और तीखापन लाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच ये काली मिर्च है, जिसे मैंने अभी फ्रेश इसको ग्राइंड किया। इसे अच्छे से इन्हें मिक्स कर देंगे। इनमें एक बॉयल आने देते हैं। इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है तो हम गैस की फ्लेम को कर देंगे मीडियम पे। तो हमने लिया है 1 चम्मच ये कॉर्नफ्लावर है, तो इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे पानी। आप पानी सूप में से लेके गरम मत डालिए, क्योंकि सूप में से गरम पानी लेके डालने से इसमें लम्स पड़ सकते हैं। ये मैंने इसमें 4 चम्मच पानी का यूज़ किया है 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर को मिलाने के लिए। अगर आप कॉर्नफ्लावर नहीं डालना चाहते तो आप इसी प्रकार ही इसमें पानी डाल के 2-3 मिनट के लिए पकाइए, तो फिर आप सूप को सर्व कीजिए। अगर आप मार्केट जैसी इसमें थिकनेस लानी चाहते हो तो आप कॉर्नफ्लावर का 1 चम्मच ही डालिए, ज़्यादा नहीं डालना, और थोड़ा थोड़ा करके डालना है। हमने इसमें ज़्यादा मसाले बिल्कुल नहीं डाले, बहुत ही बेसिक से मसालों से हमने इसे तैयार किया है। ये सूप मार्केट से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने अपने घर में हाइजीनिक वे से इसे बनाया है। आप इस टाइम में इसमें नमक चेक कर सकते हो, मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा तो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी इसमें शाइन आ रही है। ये सूप बन के तैयार हो चुका है, तो इसे रखते हैं हम एक साइड पे। तो हम बनाने शुरू करते हैं गार्लिक ब्रेड। अब गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले गार्लिक पेस्ट तैयार करेंगे। मैंने ये 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं। हम इसे अच्छी तरह से इसमें क्रश कर लेंगे। ये गार्लिक को कर लिया है क्रश। आप चाहो तो इसे मिक्सी में भी इसे पीस सकते हो।
लेकिन जब हम इस प्रकार से क्रश करके गार्लिक ब्रेड बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी, ये 2 चम्मच मैंने बटर लिया है। इसे अच्छी प्रकार से इसे मिक्स करेंगे, इसका एक पेस्ट सा बनाएंगे। अब आपको गार्लिक ब्रेड खाने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में ही बहुत ही इजी वे से गार्लिक ब्रेड तैयार कर सकते हो। अब ये गार्लिक पेस्ट बन के हो गया तैयार, तो इसे ब्रेड के ऊपर लगाते हैं। ये मैंने 4 स्लाइसेस लिए हैं, वाइट ब्रेड है, आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो। तो इसके हम साइड्स जो हैं ब्राउन हार्ड पार्ट, इसे हम हटा देंगे। मैंने सभी ब्रेड के जो साइड पे ब्राउन पार्ट थे उन्हें काट दिए, तो अब हम इनके ऊपर लगाना शुरू करते हैं गार्लिक पेस्ट। इसे अच्छी तरह से सभी तरफ स्प्रेड कर देंगे। इसी तरह से हमने सारी ब्रेड के ऊपर जो गार्लिक पेस्ट है वो लगा लेना है। तो अब हम इन्हें रोस्ट करते हैं। ये मैंने पैन को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, इसे इस प्रकार से उल्टा करके रख देंगे। तो गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल लो पे रखना है। कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है, तो हम इसे थोड़ा सा और सेकेंगे। इसे हमने ब्राउन करना है, और वो भी ब्राउन हमने करना है लो फ्लेम के ऊपर, और इसे क्रिस्पी बनाना है। ये आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरह से ये ब्रेड सिक के तैयार हो चुकी है। इसे हम निकालते हैं और दूसरे पीसेस रखते हैं। ये दोनों पीसेस सेक लेंगे लो फ्लेम के ऊपर। अब ये सारे पीसेस अच्छी तरह से सिक्के हो चुके हैं तैयार, तो मैंने इन्हें इस प्रकार से बीच में से काट लिए। तो इन्हें करते हैं अब सर्व। तो लीजिए, गर्मा गर्म सूप के साथ गार्लिक ब्रेड बन के तैयार है। आप इसे बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।